हेलो वन वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि जीएसटी बिलिंग का एक सॉफ्टवेयर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट मेरे को आई थी मेरे चैनल पे, तो आइए देख लेते हैं। ये एक डेमो वीडियो ही है, इसको देख करके आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे हम जीएसटी बिलिंग का सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं, उसके लिए रिपोर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। क्रिएट पर क्लिक कीजिए, व्यू पर जाइए, डिज़ाइन व्यू पर जाइए। यहाँ पर आपको टाइप करना है जीएसटी बिल, कोई भी नाम दे सकते हैं, चूँकि ये जीएसटी बिल है तो मैं यहाँ जीएसटी बिल ही दे देता हूँ। ठीक है, कस्टमर आईडी दे देता हूँ, इसको मैं ऑटो नंबर रहने देता हूँ, कस्टमर नेम दूंगा, कस्टमर नेम। ठीक है, कस्टमर नेम देने के बाद यहाँ पे दे देंगे हम कस्टमर एड्रेस, कस्टमर एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर हो जाएगा नंबर। ठीक है, तो यहाँ नंबर कर देते हैं, और ये होगा नंबर डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट, तो जो भी प्रोडक्ट कस्टमर खरीदेगा वो टेक्स्ट डेटा टाइप होगा, और यहाँ पर यूनिट होगा उसका, तो यूनिट। ठीक है, कितना खरीदा, तो ये नंबर डेटा टाइप होगा। ठीक है, और उसके बाद सॉरी यहाँ पे प्राइस करेंगे पहले, फिर यूनिट करेंगे, तो पहले प्राइस दे देते हैं। प्राइस कर दिया हमने, प्राइस नंबर डेटा टाइप होगा कि ये प्रोडक्ट कितने रुपए का है। ठीक है, इसके बाद यूनिट, कितना खरीदा, 1 किलो खरीदा, 1 खरीदा, 2 खरीदा, 4 खरीदा, कितना खरीदा, वो यहाँ पे डिसाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे डिसाइड करेंगे, इसके बाद फिर हम टोटल करेंगे इसका, यानी कि टोटल कितना पैसा हुआ वो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम नंबर डेटा टाइप कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे टैक्स की बात करेंगे, यहाँ लिखेंगे टैक्स इन परसेंट। ठीक है, तो टैक्स इन परसेंट लिखने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ से नंबर डेटा टाइप कर लेंगे इसको, और जो भी परसेंट में टैक्स होगा वो परसेंट में यहाँ लिखा होगा। ठीक है, इसके बाद टैक्स अमाउंट कर लेंगे, जो कि परसेंट में दिया हुआ है उसके हिसाब से टैक्स अमाउंट कितना हुआ। ठीक है, टैक्स अमाउंट कर दिया हमने, और यहाँ पर टैक्स अमाउंट जो है इसको हम रखेंगे करेंसी। ठीक है, करेंसी कर देंगे, और इसके अलावा जो ये टोटल होगा इसको भी हम करेंसी बना देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना है, इसको सेव करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा ये। अब हमें क्या करना है, क्रिएट पर जाना है, क्वेरी डिज़ाइन पर जाना है। ठीक है, और इसको ऐड करवा लीजिए, देखिए ये टेबल आई हुई है, इसको आप ऐड करवा दीजिए, और ऐड करवाने के बाद यहाँ से डबल क्लिक करते जाइए, ये इंसर्ट होता जाएगा लाइन से, प्राइस यूनिट टोटल लिखिए, प्राइस इनटू यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा। अब इसके बाद एक कॉलम और है हमारे पास, जिसका नाम है इनटू 100 अपॉन टैक्स इन परसेंटेज। ठीक है, यहां से रन करवा दीजिए इसको, तो आप देख सकते हैं हमारा काम हो चुका है। आइए अब यहां पे हम देते हैं, जैसे कोई भी डमी मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया, यहां पर प्रोडक्ट का नाम टाटा टी। ठीक है, प्राइस सपोज कीजिए 160 रुपये प्राइस है। ठीक है, यूनिट है 5, तो यहाँ टोटल आ चुका है, आप देख सकते हैं। टैक्स इन परसेंटेज पे आएंगे, और यहाँ पे परसेंट ये जो भी लिखेंगे परसेंट में होगा। ठीक है, 7% के हिसाब से यहाँ पे देखिए, ये जो अमाउंट आ रहा है ना, चूंकि 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना था हमें, तो आइए चलते हैं फिर उसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे डिवाइड करना है, उल्टा हो गया काम, इसको सही करेंगे। ये जो है ना, हो गया, इधर आके देख लेते हैं, हाँ सही है। अब इधर आ जाइए आप, अपॉन कर लीजिए 100, बस काम हो गया है, रन करवाइए। यहाँ पे 56 रुपये टैक्स आ गया। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और जीएसटी बिल बना सकते हैं। आइए क्रिएट पे चलते हैं।
मोर फॉर्म्स पे जाकर के फॉर्म विजार्ड पे चलते हैं, इसको सेव करेंगे हम, ये क्वेरी टू के नाम से सेव कर रहा है, हम इसको सेव करेंगे इंडिया शॉपिंग मॉल, ठीक है, ये लिख दिया हमने, और यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे इन सब को हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए आप, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, तो इस तरह से लिखा हुआ ये आएगा। आप देख सकते हैं ये हमने जीएसटी बिल कैलकुलेट करने वाला एक सॉफ्टवेयर बना लिया है। अब हमें जो भी इंटर करना है, ठीक है, जो भी हम डेटा इंटर करना चाहते हैं वो यहाँ से इंटर करेंगे, ठीक है, डेटा जो भी हमें इंटर करना है वो यहाँ से इंटर करते जाएंगे और ये अपने आप करता जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे इंटर कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दूसरा कस्टमर का नेम, जैसे मान लीजिए एक कस्टमर का नेम है रमेश, यहाँ डाल दिया हमने। यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस है राघव नगर देवरिया कर देते हैं, राघव नगर देवरिया, ठीक है, तो ये कर दिया हमने। अब मोबाइल नंबर जो भी हो, ठीक है, यहाँ डाल दिया हमने कुछ भी, ठीक है। नीचे आएंगे और प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे देना है हमें, तो प्रोडक्ट का जो भी नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर कर देते हैं, ठीक है, और प्राइस है 30,000 और यूनिट है 5 यूनिट या 6 यूनिट ये खरीद रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ आ जाएगा कैलकुलेट होकर टोटल, और उस पर लग रहा है आपका 12% टैक्स, तो यहाँ ये भी आ गया। आप देख सकते हैं कितना आसान है। अब इसके लिए रिपोर्ट क्रिएट करना है हमको, आइए देख लेते हैं रिपोर्ट कहाँ से क्रिएट करेंगे। ये रिपोर्ट डिज़ाइन दिया हुआ है, यहाँ रिपोर्ट दिया हुआ है, रिपोर्ट डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट डिज़ाइन करेंगे आप, रिपोर्ट विजार्ड पर क्लिक करेंगे तो इन सब के लिए रिपोर्ट विजार्ड से यहाँ से रिपोर्ट डिज़ाइन हो जाएगा, चीज़ें वही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन सब के लिए हमें करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से सबको एक एक करके, यहाँ पे देखिए सब कुछ आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, आप देखिए कस्टमर आईडी कस्टमर नेम सब कुछ आ चुका है, क्लिक कीजिए और यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप चूज कर सकते हैं, किसको पहले रखना है यहाँ से चूज कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ से आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, एक्सेस 2007 के रूप में हम इसको देखना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे और यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा रिपोर्ट डिज़ाइन। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये रिपोर्ट हम कैसे जनरेट कर पा रहे हैं। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, एक जनरल सा यहाँ पे देखिए कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नेम है, सब कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कटता हुआ सा नज़र आ रहा है, इसको आप यहाँ से सही कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कस्टमर आईडी जो है यहाँ से कट रही है और ये यहाँ पर जाकर आप इसको सही कर सकते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लीजिए, ठीक है, इसको सही करना है, इसको यहाँ से बड़ा कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा इसको सही करना है तो इसको यहाँ से जाके क्लिक कीजिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखिए ये रिपोर्ट हमारा जनरेट हो गया और रिपोर्ट की डेट टैक्स सब कुछ कैलकुलेट होकर आया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप की बात समझ में आई होगी। आप यहाँ पे जीएसटी भी कर सकते हैं, ठीक है, टैक्स इन परसेंटेज जो लगा हुआ है उसको आप जीएसटी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप की बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम इसको कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।